नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभा समाचार प्रीतिश कुला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। प्रदर्शनी में पेंटिंग के जरिए खुशबू ने उकेरे भोलेनाथ के आमोद वस्त्र। भदोही ज्ञानपुर में स्थानीय काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के चित्रकला विभाग में आयोजित पेंटिंग प्रदर्शनी प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़कर भागीदारी की। पेंटिंग के जरिए जहां छात्र छात्राओं ने कागज पर कन्या भ्रूण हत्या, महिला उत्पीड़न, मातृत्व प्रेम के चित्रों को सहित भोलेनाथ के अमोल अस्त्र के चित्र उकेरे और लोगों को जागरूक किया, वहीं एमए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा व बीते 20 फरवरी को नवागत जिलाधिकारी भदोही आरिका अखौरी का चित्र उकेरने वाली खुशबू प्रजापति द्वारा बनाए गए भोलेनाथ के अमोद अस्त्र, जिससे मात्र कोरोना ही नहीं त्रिलोक के देवी देवताओं तक का भी नरसंहार किया जाता है जा सकता था, उकेरने पर खूब सराहा गया। इस मौके पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोशन प्रसाद व अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देश में पेंटिंग से अंदर साथ ही भीतर के भाव का भी पता चलता है। कोई भी हो, वो इंसान के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने अध्यक्ष डॉक्टर रोशन प्रसाद ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यालय द्वारा हमेशा से कराए जाते हैं ताकि कला के क्षेत्र में कलाकार आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। प्रशिक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि बहुत सारे छात्र छात्राएं कलाकार हैं जिनको कला तो आती है, लेकिन इस अदा को वे अपनी शिक्षा के बाद अपने व्यवसाय में कैसे जोड़ सके ये उन्हें नहीं पता होता। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वो महाविद्यालय के प्राचार्य पीएस डोंगरे सहित समान लोग उपस्थित रहते हैं। बहुत अच्छा बनाते हैं अभी बच्चों को बनाते हैं हम लोग कोरोना संहार प्रसन्न करने आप कृपा करें विजय पांडे। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।